फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल इन अंगोला और मैं हूं आपकी दोस्त जागृति। आज मैं आपको बता रही हूं अंगोलन फ्रूट्स के बारे में, जो ऐसा फ्रूट है जिससे बहुत सारा ऑयल निकलता है, जिससे आप नॉनवेज बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत टेस्टी होता है। और इससे आप अपने शरीर में जैसे कहीं पेन हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं तो उसमें भी यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये है, ये आप इसे कहते हैं देंदे और ये अंगोलन का बहुत ही अच्छा फ्रूट है जिससे बहुत सारा ऑयल निकलता है। इसको क्या करना होता है कि इसको उबालते हैं और फिर इसको यूज़ में लाते हैं, इसको कूट के। चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस भी दिखाती हूँ साथ में। आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग पॉप क्या है, ये अंगोलन कुछ डिश बना रहे हैं ऐसे कूट के, जो इंडिया में भी चलता है। यहाँ पे भी ये बहुत यूज होता है, देख सकते हैं आप। ये क्या चीज है? ये इसका ऑयल निकलता है, जैसे पाम ऑयल होता है ना, ये इस फ्रूट से ऑयल निकाला जाता है। अच्छा, ये फ्रूट है एक तरह का जिसमें से ऑयल निकलता है। No saber. क्या चीज है? पास से दिखाती हूँ आप लोगों को ये क्या चीज है। बहुत गर्म है, बॉइल करके इसको ना कूटा जाता है, इसका ऑयल निकालेंगे। ये फ्रूट है एक तरह का, खास नोमी के डेंडे, अंगोला में इसको डेंडे बोलते हैं। अंगोला में इसको डेंडे बोलते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जो भी। इंडियन के फजे आरोज खा के देखेंगे। ऑयल निकाल के इसका चिकन में, फ्रांगो में ये लोग डालते हैं इसका ऑयल। ये कूटेंगे, इसका ऑयल निकालेंगे। गरम है, गरम है, पहले इसको बॉयल करते हैं, फिर इसको कूटते हैं, इसमें से ऑयल निकालते हैं, इसके बाद इसको खाते हैं। और इसका ऑयल भी निकाल के आप जैसे चिकन वगैरह में, नॉनवेज में इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।